भ्रष्टाचार को लेकर राजनीतिक दल अपने अपने अलग अलग दावे करते आ रहा है। हर दल का कहना है कि उनके शासनकाल में भ्रष्टाचार पर पूरी तरह अंकुश लगाया गया। हमारा आज का विशेष कार्यक्रम जनता की बात इसी मुद्दे से जुड़ा है। साथ ही आज हम विपक्षी दलों द्वारा बनाए गए इंडिया गठबंधन पर भी चर्चा करेंगे और जानेंगे कि यह गठबंधन चुनाव में कितना सार्थक सिद्ध होगा। तो आइए देखते हैं हमारा विशेष कार्यक्रम जनता की बात, रिपोर्टर दिनेश जसवंती के साथ। नमस्कार, मैं हूं दिनेश जसवंती, आप देख रहे हैं SW24 न्यूज मध्य प्रदेश। मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ जनता की बात कार्यक्रम को लेकर। जनता की बात में हम चर्चा करेंगे आज भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर। भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस कहती है कि मध्य प्रदेश सहित जितने भी राज्यों में भाजपा की सरकार है और केंद्र में भाजपा की सरकार है, जहां भी भाजपा की सरकार रही वहां भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचा है। वहीं बीजेपी कहते हैं कि भ्रष्टाचार को खत्म करने में उनकी सरकारें पूरी तरीके से सफल रही है। बीजेपी का यहां तक कहना है कि भ्रष्टाचार खत्म होता जा रहा है, धीरे धीरे भ्रष्टाचार बीजेपी खत्म करती जा रही है और भ्रष्टाचार के खात्मे के कारण ही आप सभी घोटालेबाज इकट्ठे होकर के एक संगठन बना रहे हैं जिसे इंडिया नाम दिया गया है। आज हम इसी विषय को लेकर चर्चा करेंगे। साथ ही हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश में पिछले दिनों कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे नारी सम्मान योजना और गैस की टंकी 500 रुपये में देने के ये 5 वचनों को लेकर कांग्रेस बड़ी उत्साहित दिख रही थी। वहीं शिवराज सिंह ने इन 5 योजनाओं को फेल करने के लिए महिलाओं को धीरे धीरे 1200, 1500 और 3000 तक देने का वादा कर दिया है और अगले कुछ दिनों में चर्चाएं ये भी कि अगले कुछ दिनों में महिलाओं को गैस टंकी 500 रुपये में दिया जाएगा। आज हमारी चर्चा के ये 2 विषय रहेंगे और इन दोनों विषयों पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ व्यक्ति विचार व्यक्ति के अपने व्यक्तिगत विचार हैं, जिससे हमारा चैनल कोई इत्तेफाक नहीं रखता, यानी हमारे चैनल का उससे कोई संबंध नहीं है। हम यहाँ किसी जाति, संगठन, वर्ग और व्यक्ति विशेष का समर्थन नहीं करते हैं और न ही किसी का विरोध करते हैं। यह हमारा कार्यक्रम एक चर्चा मात्र है। तो आइए हम जनता की बात कार्यक्रम की शुरुआत चर्चा के साथ करते हैं। हम चर्चा की शुरुआत करते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं ऊन से दिनेश भाई पाटीदार फौजी, जो भारतीय जनता पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे, और कांग्रेस की ओर से जुड़ रहे हैं लीलाधर पाटीदार। ये दोनों ही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के एक प्रखर प्रवक्ता भी कह सकते हैं और ज़मीन के ऊपर अच्छी पेट रखते हैं। वोटर को अपने पक्ष में करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। हम इनसे चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। दिनेश जी से चर्चा की शुरुआत करते हैं। दिनेश जी, कांग्रेस अक्सर आरोप लगाती है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा हो गए हैं। सबसे पहले तो मैं ये बोलता हूँ, सावन मास के समय में इनको झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये जो झूठ बोल रहे हैं ना कांग्रेस वाले, झूठ नहीं बोलना चाहिए। कांग्रेस ने जितना भ्रष्टाचार किया ए से लगाकर झेड तक, मैं आपको लिस्ट बता दूं, आप अगर चाहें तो मेरे जेब में लिस्ट है, अगर ये बोलें तो मैं इनकी उजागर कर दूंगा ए से लेकर झेड तक की। भ्रष्टाचार नहीं हुआ भारतीय जनता सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। अगर ये चाहें तो मैं इनको लिस्ट निकाल के बता दूंगा। तो आपको लगता है कांग्रेस की सरकार में भ्रष्टाचार होता था ए से लेकर जेड तक? मैं बता दूंगा ना, अब उनसे बात करिए, मैं फिर बताऊंगा अपने ए से लेकर जेड तक की। रामकिरण जी, दिनेश भाई फौजी कह रहे हैं कि कांग्रेस के काल में भ्रष्टाचार हुआ है। देखो, ये तो अपने अपनी मानसिकता है। जो आए गाँव वालों को पता है, अपन राष्ट्रीय स्तर की बात नहीं कर रहे, अपन गाँव लेवल पर बात कर रहे हैं। अपने जब जो अपनी जन्मभूमि है, जो अपना धरातल है, अपन उस पर बात करें। तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि मनरेगा में, जॉब कार्ड में, ये अपन जो वृक्षारोपण में, जहाँ जहाँ भी हुआ, किसी का नाम नहीं अपन लेंगे, लेकिन इन लोगों के नॉलेज में है। एक बात भ्रष्टाचार ये नहीं बात होता। अपन राष्ट्रीय स्तर के लोग नहीं है, अपन गांव स्तर के लोग। मैं बताता हूँ और गांव स्तर पे बताता हूँ, और आप लोगों के पास प्रमाण हो तो आप भी दो, और हमारे पास जो प्रमाण है हम भी शो करेंगे। बात ये नहीं है, बात मेरा तो ये कहना है, मैं ओनली वन, मैं किसान आदमी हूँ, किसान परिवार से हूँ, मेरा तो ये कहना है कि अपने गांव का विकास होना चाहिए, सब मिल के विकास करो। ये भ्रष्टाचार आरोप प्रत्यारोप ये बिल्कुल सब फालतू बात है ना। वो पर्सनली नहीं बोलेंगे, हम राजनीतिक परिदृश्य की बात कर रहे हैं, राजनीतिक परिदृश्य पे ही बातचीत करेंगे। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की और खरगोन जिले की। पर्सनली किसी पर भी कोई नहीं बोलेगा। दिनेश जी, एक सबसे बड़ा आरोप ये भी लग रहा है, आप भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे हैं कि सब घोटालेबाजों ने मिलकर इंडिया का गठन किया है। INDIA, ये पता है ना आपको,
क्या है उसका मतलब? सब चोरों की टीम इकट्ठी हो गई, भ्रष्टाचारों की टीम इकट्ठी हो गई, इनके खुलासे ना हो इसलिए वो सब इकट्ठे हो गए। कौन से चारों घोटाला? अभी आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ का, कल ही मैंने फेसबुक पर भी डाला है, छत्तीसगढ़ में गोबर घोटाला हो गया, गोबर खा गए इनके मुख्यमंत्री। अब ये बताएं कि इनके मुख्यमंत्री गोबर न चारा न सब खा रहे हैं। मैं तो आपको लिस्ट बता दूं, ए से लेकर जेड तक मेरे पास घोटालों की लिस्ट है, ए से लेकर जेड तक मैं ये सब लिस्ट बताने वाला हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का मैं बिल्कुल सशक्त कार्यकर्ता हूँ और मैंने जब तक राजनीति की है और करूँगा, और ये लिस्ट घोटालों की, और मेरे पीछे भी मेरे दोस्त लोग हैं, उनको उन्होंने भी बताया ए से लेकर जेड तक घोटाले। मैं बताऊँ आपको क्या? नहीं, वो पर्सनली नहीं बताएंगे। पर्सनली नहीं, ये सार्वजनिक है। ए से लेकर एलिफेंट घोटाला, बी से लेकर बोफोर्स घोटाला, 2G एस्टेम घोटाला, आदर्श घोटाला, अपील घोटाला, सत्यम घोटाला, कोयला घोटाला, अगस्ता घोटाला, नेशनल हेरोल्ड घोटाला, जिसमें तो इनकी सोनिया गांधी और राहुल गांधी ये सब अभी बेल पर चल रहे हैं। इनको ये क्या बताएंगे हमको? उसके बाद में वाड्रा DL घोटाला राजस्थान में हुआ है, उनकी सरकार है इसलिए घोटाले को छुपा रखा है। अभी चुनाव होने दो, उस चुनाव में हम बताएंगे कि उस चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी जीत गई ना तो वो घोटाला भी वाड्रा परिवार के ऊपर जाएगा। ये सोनिया गांधी क्या बोलती है? बोफोर्स घोटाला सेना के साथ में, सेना की भारतीय सेना के साथ में इन्होंने बोफोर्स घोटाला किया है। कांग्रेस की घोटालों की लिस्ट इतनी है कि मैं पूरा दिन लग जाए ना तो घोटालों की लिस्ट ख़त्म नहीं होगी, पूछें उनसे। रामकिरण जी, दिनेश भाई कह रहे हैं कि कांग्रेस घोटालेबाज है और कांग्रेस ने बहुत सारे घोटाले किए, इन्होंने कुछ घोटाले गिनाए भी हैं, और इन घोटालों के डर से ही, इन घोटालों के उजागर होने के डर से ही इंडिया का गठन किया आपने। देखो, मैं सिंपली बात करता हूँ, जो भी अपने गांव में चोरी करता है वो आज नहीं तो कल पकड़ा जाता है। इन्होंने अगर घोटाला किया ये भी पकड़े जाएंगे, इनको फांसी दो, इनको गोली मार दो, है ना। कफन घोटाला किसने किया? कफन तक भेज डालेंगे, किसने किया? मैं तो सिंपली ऑलरेडी खेत से आ रहा हूँ, मैं किसान आदमी हूँ, दिनेश भाई मेरे मित्र हैं, वो ऑलरेडी तैयारी करके आए। मेरे को आपने 10 मिनट पहले बोला, मैं अभी सुबह से अभी तक स्नान नहीं किया हूँ, उसके बाद भी आपकी बात सुनने को और आपकी बात कहने को तैयार हूँ। इन्होंने एक आरोप लगाया लालेवाड़ी रोड, जो कि मध्य प्रदेश में सबसे टॉप पे आई थी, महेश जोशी सब इंजीनियर है, उनसे आप जानकारी ले लीजिए, जो भोपाल से टीम आई थी उन्होंने सबसे पहले उसी रोड को पास किया। दूसरा, इन्होंने एक जो सतावड़ वाला बोला उसमें इन्हीं के लोग थे, रबड़ी बस स्टैंड पे खा रहे और बता रहे कि हमारा ट्रैक्टर तो 7 बजे चल रहा है जबकि 8 बजे थी बस स्टैंड पे। अच्छा, एक बात और उठती है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपने मुद्दों को लेकर, अपने 5 वचनों को लेकर बड़ी उत्साहित थी, चुनाव को लेकर के, आने वाले चुनाव को लेकर के उत्साहित थी कि नारी सम्मान योजना में 1500 रुपये देंगे, नारी वोटर्स महिला वोटर्स को अपने पक्ष में कर लेंगे, 500 रुपये में गैस टंकी देंगे, कहीं ना कहीं मतलब वोटरों को कवर करने का अच्छा प्रयास कांग्रेस कर रही थी। लेकिन वहीं पर शिवराज सिंह जी ने एक अच्छा कदम उठा दिया, कहें तो बीजेपी की ओर से बहुत बढ़िया कदम उठाए, पूरे मुद्दे कांग्रेस से छीन गए। बीजेपी ने कह दिया कि वो 3000 तक देंगे और आगामी समय में गैस टंकी 500 रुपये में देने की बात कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस से अब मुद्दे छीन गए हैं। तो क्या कांग्रेस अब इन मुद्दों को लेकर वापस चुनाव लड़ेगी? देखो, ये तो आम जनता का डिसीजन है, पिछले विधानसभा में सबने देखा है कांग्रेस की सरकार बनी, इन लोगों ने खरीद फरोख्त जो भी किया इन्होंने कर लिया, सरकार गिर गई। लेकिन आने वाले समय में दूध का दूध और पानी का पानी होना तय है। मतलब आपको लगता है कि आप एक बार मध्य प्रदेश में सरकार बनाएंगे? 101% आपकी सरकार बन रही है। खरगोन जिले की 6 की 6 विधानसभा सीट कांग्रेस के पक्ष में जाएगी और आप देख लेना, क्योंकि झूठे वादे, देखो किसान सम्मान निधि की बात है और इधर महिला सम्मान निधि की बात है, उधर किसानों का जो कर्ज माफ़ी है वो भी हुई है, उनके अंदर बीजेपी के सबसे पहले बीजेपी के लोगों का कर्ज माफ़ हुआ है। आप सर्वे कर लो ना,
हमसे मत उगला। नहीं, बीजेपी और कांग्रेस देखिए हितग्राही में बीजेपी और कांग्रेस नहीं, कई नारी लाडली बहना योजना के हितग्राही कई कांग्रेस वाले भी हैं, तो उसमें क्या होता? हाँ, तो हमने भी लाभ गवर्नमेंट नहीं दे रही, तो उसमें हितग्राही का कोई पार्टी उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये को नकारा नहीं सकते, अपन नकार नहीं सकते कि नहीं हमारा नहीं हुआ, इन्हीं का हुआ, उन्हीं का हुआ, ये नहीं हो सकता। अच्छा, जैसे कांग्रेस के जो मुद्दे थे, नारी सम्मान योजना, गैस टंकी, क्या कांग्रेस इन मुद्दों को लेकर फिर आगे बढ़ेगी, या बीजेपी के बाद बीजेपी 3000 या 1500 रुपये देने लग जाएगी तो कांग्रेस इस मुद्दे को छोड़ देगी क्या? देखो, वर्तमान स्थिति है कि 3000 की जगह 30000 भी मिल जाए ना, तो भी लोगों की मानसिकता नहीं बदलती। मतलब लाभार्थी ये लोग पैसा ले लेंगे, लेकिन उनकी जो मंशा है काम वही करेंगे वो। तो आपको लगता है आपको वोट देंगे? 100% आपको महिलाओं के वोट मिलेंगे? पक्का मिलेगा। और यदि शिवराज सिंह 3000 रुपये दे देंगे तो? 30000 भी दे देना, फिर भी कांग्रेस की सरकार बनेगी, मतलब बनेगी एमपी में। दिनेश जी, रामकरण जी कह रहे हैं कांग्रेस की सरकार बन रही है, आप 3000 की जगह 30000 भी दे दें महिलाओं को, महिला आपको वोट नहीं देगी। ये झूठ बोलने की राजनीति मत करो, सावन का महीना है, मैं तो इनके पूरे कांग्रेस परिवार को, पूरे कांग्रेस पार्टी को बोल रहा हूँ कि कभी सावन मास में झूठ मत बोलना। और ये झूठ बोलने का सबूत है मेरे पास, ये मेरे मोबाइल पर कमलनाथ ने मैसेज दिया था, जबकि मैंने आवेदन नहीं किया था, जबरदस्ती मैसेज दिया कि आपका इस लोकसभा चुनाव के कारण आपका ऋण माफ़ नहीं हो पाएगा, अगली बार करेंगे जैसे ही लोकसभा चुनाव होगा। मैंने कोई आवेदन नहीं किया था, ऐसे झूठ बोलने की राजनीति। कर्ज माफी के लिए किसी के आवेदन की आवश्यकता नहीं थी, तो गवर्नमेंट का प्रावधान था सभी कर्जदारों के लिए था। जी जी, आप बताएं, अपना सवाल बताएं। मैं ये कह रहा था कि जैसे कांग्रेस इन मुद्दों को, नारी सम्मान योजना और गैस टंकी को लेकर के बड़ी उत्साहित लग रही थी, शिवराज सिंह ने इनकी घोषणाओं के ऊपर पानी फेर दिया, तो क्या कहीं ना कहीं वोटरों को आकर्षित करने का प्रयास आप कर रहे हैं? नहीं, कोई आकर्षित नहीं। देखो, भारतीय जनता पार्टी के हर वर्ग की सेवा करने के लिए, हर वर्ग का उत्थान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी सेवा कार्य कर रही है। उसमें किसान भी आ गए, मजदूर भी आ गए, गरीब आदमी भी आ गए, सबकी सेवा के लिए हम काम कर रहे हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी, हमारी सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार, सबका उत्थान करने के लिए काम कर रही है, ना कि खाली अपना स्वयं का स्वार्थ करने के लिए। कांग्रेस वालों ने अपना स्वयं का स्वार्थ सिद्ध करने के लिए राजनीति की है। आज तक 70 साल में इन्होंने अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए राजनीति की है। इन्होंने इतने घोटाले किए, इतने अपने घर बजे, घर को भरा है, ये सब पूरे देश जानती है, दुनिया जानती है, और भारतीय जनता पार्टी इसको नकाबपोश करेगी। मतलब ये मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही इन्होंने एक कांग्रेस कहती है, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहती है तानाशाह। तानाशाह कहाँ है? वर्ल्ड में 10 नंबर पर अपन ग्रोथ पर चले गए थे, आज 5वें नंबर पर आ गए। और कल ही मोदी जी ने बोला अगले टर्म में मतलब अगले साल वो भी बनेंगे। एक बात और आपको बता दूं भाई साहब, दिनेश जी, मैं आपको स्पष्ट बोलना चाहता हूं कि अगले टर्म में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनेगी, राज्य में बनेगी, और अगले टर्म में 3 विश्व शक्तियां में भारत का नाम ऊंचा होगा, वो भी होगा हिंदुस्तान। रामकिरण जी, दिनेश भाई कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी देश का नाम रोशन कर रहे हैं, आप उनको जबरदस्ती तानाशाह बताते हैं। बहुत अच्छी बात है, जो हित में करे वो अच्छी बात है। लेकिन दिनेश भाई, आप भी दिनेश भाई हो, वो भी दिनेश भाई है, ठीक है। मैं अकेला शेयर हूँ, दिनेश भाई 10 लोगों को लेके आए, कोई दिक्कत नहीं। मेरा ये कहना है, सुनो, मेरा ये कहना है, आप ग्राम पंचायत उनके रहने वाले हैं, आप पंचायत में जाके देखिए कि बोर्ड पे किन के नाम लटके हैं, कपिल धारा कूप हो या कुटीर हो, किन के नाम लटके हैं, आप स्वयं प्रमाण दो और आप स्वयं प्रमाणित करो। इसमें कितने कांग्रेसी लोगों के नाम लगे हैं, ये सब केवल प्रामाणिक बात, ये तो सब फालतू बात है। अपन राष्ट्रीय लेवल के लोग नहीं है, अपन छोटे लोग हैं, सामान्य लोग हैं। आप सिर्फ, चलिए हम यहाँ की बात करते हैं, खरगोन विधानसभा की बात करते हैं। खरगोन विधानसभा में आपको क्या लगता है इस बार कौन विजय होगा? रवि जोशी जी विजय होंगे। डन। ऐसे कौन से काम किए रवि जोशी जी ने कि आप उनको विजयी मानते हैं? लोगों से पूछिए, उनकी आस्था को देखिए। उन्होंने 5 साल के अंदर कम से कम 100 से 150 बार उनमें प्रवेश किया है,
किसी भी समाज के लोगों ने डिमांड रखी धर्मशाला के लिए, रोड के लिए, रास्ते के लिए, वो अपने आप तैयार है। बताएं इनके नेता 10 साल में कितनी बार आए? मैं 5 साल की बात करता हूँ रवि जोशी जी की, कि 5 साल में 150 बार आए हैं। किसी का सुख हो, किसी का दुख हो, और आज भी वर्तमान में जो भी उनके मतलब उनके पास गया कभी खाली हाथ नहीं आया। एक बात और, खरगोन में खरगोन की 6 की 6 विधानसभा सीट आप कांग्रेस पिछली बार जीती थी दावे के, और इस बार भी मतलब सबसे ज़्यादा माना जाए तो शिवराज सरकार गिरने में उन 6 सीटों का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। इस बार क्या है, इस बार क्या आप 6 की 6 सीटें निकाल पाएंगे? 6 की 6 सीटें निकलेंगी, 6 की 6 सीट निकाल पाएंगे 100% 6 की 6। दिनेश भाई 6 से 6, 6 की 6 सीटें कांग्रेस ले जा रही है, अब इनको क्या बोलें? समय बताएगा ना, जनता जानती है, समय बताएगा। अब ये जनता जानती है कि इनके लुभावने इसमें नहीं आएगी, जनता इस बार नहीं आएगी। ये बोल रहे हैं ना कि रवि जोशी जी कितने बार आए थे बताएं ना आप। 150 बार 150 बार 5 साल ये 5 साल के पहले आए थे 150 बार, चुनाव के बाद में जीतने के बाद में 5 बार भी नहीं आए उनमें। तो आपके और पास इन्होंने आएंगे? इन्होंने आपके पास आएंगे? 4 साल में एक भी कोई काम नहीं किया। अब ये आखिरी है, इनको पता लग गया कि अब चुनाव आ रहे हैं, या उनमें 1-2 धर्मशाला दे दी और दूसरे गांव में दे दी। ये तो इनका रोना ही है, ये कांग्रेस अच्छा, का रोना है। आपको क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनाव में आपकी पहली पसंद कौन रहेगा, किसको भाजपा की ओर से टिकट दिया जाएगा? देखो, पहली पसंद की दूसरी पसंद की बात नहीं है भाई साहब, बात यह है जो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट होगा वो हमारा नेता है। और पहली पसंद की बात पूछी तो बालकृष्ण जी पाटीदार के अलावा कोई नेता ही नहीं है। और दबंग एक ही शहर है खरगोन जिला में, वाइट टाइगर के नाम से जाना जाता है, वाइट टाइगर बालकृष्ण पाटीदार जी को मिलकर एक बात कही जाती है कि कभी जनता के बीच नहीं गए जैसे क्यों नहीं गए 10 सालों में कितनी बार उनका देखो। और मैं तो आपको आभार करता हूँ कि आपने आज मेरे को बुलाया, और 5 तारीख को आप चलना मेरे साथ, 5 तारीख को मैं पूरे विधानसभा नहीं पूरे खरगोन जिले की जनता को ये आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि वहाँ पर पहुँचे, कितना उनका अपार जन समूह है। जनता के बीच नेता को पहुँचना चाहिए, नेता के बीच जनता को? नहीं, जनता के बीच नेता को पहुँचना चाहिए, जनता के बीच दोनों को पहुँचना चाहिए। पर हमारे दादा ऐसे हैं कि सबके बीच में जाते हैं सबको। आज भी मैं आपको बता दूँ कि आपको ये पता नहीं होगा, आप एक बार उनका आप अपना नाम बता दीजिए, आपको 10 साल के बाद में भी आपके नाम से पुकारेंगे, इतनी उनकी मेमोरी है। और ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, हमारे दादा बालकृष्ण जी पाटीदार आज भी स्वच्छ थे, स्पष्ट थे, राजनीति के योद्धावर हैं, शेर हैं, बब्बर शेर हैं। एक बात, आप दिनेश भाई फौजी भी रहे हैं, और देश की सुरक्षा को लेकर के एक बात मैं पूछना चाहूँगा। बहुत दिनों से मेरे दिमाग में एक प्रश्न चल रहा था, आप पूर्व में सैनिक भी रहे हैं, हमारे देश में कुछ दिनों पूर्व सीमा हैदर नाम की एक युवती कहिए, महिला कहिए, 4 बच्चों की माँ कहिए, जो भी कहें आप, हालांकि उस पर जांच चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक गैरकानूनी तरीके से भारत के अंदर आती है। तो देश की सुरक्षा, आप लोग कहते हो कि देश सुरक्षित हाथों में, नरेंद्र मोदी के हाथों में सुरक्षित है, कहाँ है सुरक्षा? देखिए, अगर नेपाल और भारत की सीमा, इसमें कोई भी बता दे कि हम भारत के इंडियन हैं, तो वहाँ पर आइडेंटिटी कार्ड कोई नहीं मांगता। नेपाल और अपनी भारतीय सेना एक साथ है, नेपाल के भी फौजी हैं, नेपाल से भी भारतीय सेना में भर्ती हुए रहते हैं, इसमें कोई ये नहीं है। अगर किसी ने गलती से कर लिया तो उसका वो भुगतान भुगतना पड़ेगा, उसमें सीमा हो कि रीमा हो, चाहे कोई भी हो, उसमें कोई ये वाली बात नहीं है कि सीमा। एक आप पूर्व सैनिक रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि वास्तविक जो लोग कहते हैं, हमारे मन में भी बहुत बार विचार आते हैं कि भाई सेना को लेकर बहुत सारे पूर्व सैनिक हमारे पीछे, पूर्व सैनिक खड़े हैं, तो सेना को लेकर के बहुत से प्रश्न उठते हैं कि भाई नरेंद्र मोदी जी एक सुरक्षित कह रहे हैं कि भाई सुरक्षित हाथों में। देखो, नरेंद्र मोदी जी के इतना देन है ना, मैं आपको बताऊं, इससे पहले मनमोहन सिंह की सरकार थी, यही भूतपूर्व सैनिकों को पूछ लेना, 3,000 पेंशन मिलती थी, आज 35,000 से 36,000 मिल रही। सेना के ऊपर विश्वास है नरेंद्र मोदी जी का,
और उन्होंने ऐसा काम किया है। ये सीमा मीमा का विवाद छोड़ दो, ये तो इंटेलिजेंस ने इन सब करेगी अपना आप, पर विश्वास है नरेंद्र मोदी जी के ऊपर और पूरी सेना, पूरे भूतपूर्व सैनिक सब उनके साथ ही हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहेंगे जिन्होंने अच्छा काम किया है। मनमोहन सिंह के समय में, मैं 2003 में रिटायरमेंट हुआ था, मेरे को 3,000 तनख्वाह मिलती थी, जैसे ही नरेंद्र मोदी आए 22,000 रुपये मेरी तनख्वाह चालू कर दी थी, मेरी पेंशन, मेरे घर परिवार की पेंशन सब चालू कर दी। ऐसे व्यक्ति को हम छोड़ेंगे नहीं। और राष्ट्रभक्त, वो पेंशन की अलग बात है, राष्ट्रभक्त जिन्होंने अभी तक इतना काम किया है कि ये तो अपनी रेवड़ी बांटेंगे, केजरीवाल हो चाहे कांग्रेस हो चाहे, अभी इंडिया बन गया इनका। अब इन्होंने जितने कारनामे किए ये छुपाने के लिए इंडिया बना लिया, अब इंडिया बनेगा नहीं, मोदी बनेगा। आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश में इस बार शिवराज सिंह दाव मारेंगे? पिछली बार तो 140 सीट में, आज आपको लिख के दे देता हूँ, 140 सीट से कम आ जाए ना तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। 140 सीट से कम हो जाए, 140 सीट 39 भी हो जाएगी ना तो राजनीति छोड़ दूंगा। रामकिरण जी, दिनेश भाई खुला दावा कर रहे हैं राजनीति छोड़ देंगे, 140 सीटें आ रही, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज का दिन, आज का समय, आज का स्थान ध्यान रखना पड़ेगा। हम भी याद रखेंगे, आपको भी याद रखना पड़ेगा, समझ रहे? ये जब जॉब में गए आर्मी में, हम दोनों भाई साथ में गए, कोई दिक्कत नहीं, मैं छोड़ के आ गया, भाई सिलेक्टेड हुए, किसकी सरकार में हुए? कांग्रेस की सरकार में। कब इनको जॉब मिली? 500 रुपए की आवश्यकता थी, जबकि उस टाइम इनको जो सैलरी मिलती थी, देखिए पर्सनली उसमें पर्सनली किसी के ऊपर भी पर्सनली नहीं 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 ये पर्सनली बात आ रही नहीं ये पर्सनली बात आ रही किस टाइम लगा आपका ये पर्सनली बात आ रही इसमें कोई जॉब का कोई मतलब नहीं होता कोई भी पर्सनली सरकार हाँ उसमें कोई वो जो मेरा प्रश्न ये है इंडिविजुअल में नाम था तो भर्ती मेरा सरकार ने नहीं किया तुम्हारे हम दम नहीं था तुम भर्ती नहीं हुए मेरा प्रश्न ये है कि आप लोग फिजूल में नरेंद्र मोदी जी को तानाशाह कह रहे हैं और 140 सीटों के साथ बीजेपी मध्य प्रदेश में सरकार बना रही दिनेश भाई कह रहे हैं इसके ऊपर जाओ उन्होंने चैलेंज कर रखा है ना कि 39 भी हुई तो आज के बाद आप भी क्यों नहीं करेंगे समय बहुत कम बचा है आप भी नोट करके रखो वो भी नोट करके रखे मैं तो नहीं रखता क्योंकि मेरे को इन बातों आपको लगता है कि इस बार आप पिछली बार क्या हुआ भाई मोदी का ही शासन था ना पिछली बार भी एमपी में शिवराज सिंह की सरकार गिरी सत्ता में नहीं है कमलनाथ की सरकार है उस टाइम भी क्या मोदी जी नहीं थे मोदी जी थे तो क्यों फिर ऐसा उलट फेर क्यों हुआ और आने वाले समय में भी आप देख लेना 139 सीट दिनेश भाई ने बोली मैं तो 135 सीट का भी चैलेंज करता हूँ कि 135 पे भी आप राजनीति मत छोड़ना राजनीति करना जनहित में गांव के हित में आप राजनीति करो और गांव का विकास करो बहुत तीखी बहस रही है और मैं इस कार्यक्रम को खत्म करने से पहले एक आखिरी प्रश्न लेना चाहूँगा क्योंकि चर्चा के लिए हमारे पास सीमित समय होता है एक आखिरी प्रश्न एक निजी तौर पर मैं अपने गाँव के लिए पूछूँगा दोनों ही गांव के बड़े अच्छे हैं मतलब दोनों ही एक उपसरपंच रहे हैं तो एक का ग्राम पंचायत में अच्छा हस्तक्षेप रहा है नदी पार की एक सबसे बड़ी समस्या रही है आप दोनों से ही पूछूंगा मैं नदी पार की एक सबसे बड़ी समस्या रही वहाँ पे गंदा पानी जा रहा है नालियों में कीचड़ रहता है अभी वर्तमान समय में अच्छा पानी जा रहा है आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ और अगर थोड़ी बहुत आपके माध्यम से मिली है सूचना तो कल से मैं ठीक करवा दूंगा ये मैं आपको वादा करता हूँ और कल से ही आज से ही नहीं कल से ही मैं वो पूरी व्यवस्था करवा दूँगा मैं कोई उस पर कोई राजनीति नहीं करना चाहता और ना मैं कोई वहाँ पंचायत रामकरण जी ये समस्या हमको मैसेज के माध्यम से भेजी और दो तीन जनों ने मेरे को खुद में आके कहा कि भाई वहाँ पे नदी में जो कुआ है वो पानी थोड़ा गंदा आ रहा है और नदी पार जो इन्होंने जल जीवन मिशन के तहत ट्यूबवेल अपने पाइपलाइन वगैरह खोदी है उसमें कीचड़ हो रहा है इस पर आप क्या कहेंगे क्योंकि आप ग्राम पंचायत के उपसरपंच भी रहे हैं देखो मैं रहा था लेकिन ये समस्या 3 महीने पहले से आई बारिश का दौर इसको लेके आप आगे क्या करोगे हमारा तो ये कहना है कि स्वच्छता साफ जल मिले लोगों को गरीब बस्ती है लेबर लोग हैं सुबह जाते हैं शाम को आते हैं तो उनके लिए सही पानी मिलना चाहिए अब इसमें जिम्मेदारी सबसे बड़ी पंचायत की है
क्योंकि जो कुआं खुदवाया गया है वो नदी के अंदर उसमें बाढ़ का पानी जाता है, गंदा पानी जाता है, तो गंदा पानी तो लोगों को परेशान करेगा ही करेगा। विधायक जी आए थे उनके सामने भी ये बातें रखी गई थी, पानी की बोतल, उस पानी का बोतल भी लेके उनको दिखाया था, उन्होंने भी हिदायत दी सरपंच महोदय को, तो इन लोगों की जिम्मेदारी बनती है तो उस पर ध्यान दें। आज की चर्चा को यहीं मैं खत्म करता हूँ। बड़ी तीखी चर्चा रही और इस तीखी चर्चा में कई ऐसे आरोप प्रत्यारोप भी हुए। मैं अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि किसी भी आरोप को पर्सनली कोई भी नहीं ले। हमारा उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है, हमारा कार्यक्रम केवल एक चर्चा मात्र है और आप लोगों की राय जानना मात्र है। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से किसी ने किसी को कुछ बात कही हो तो कृपया दिल पर नहीं लें और हम सभी मिलजुल कर रहें। राजनीति एक अलग चीज़ है, गांव का विकास, देश का विकास और प्रदेश का विकास एक अलग चीज़ है। इसी उद्देश्य को लेकर के हम राजनीति करते रहें, ये हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। आगे एक ऐसी चर्चा के साथ फिर से हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और मैं रामकिरण भाई और दिनेश भाई दोनों का धन्यवाद करना चाहूँगा। बहुत ही उन्होंने उम्दा बातें कही और बहुत थोड़ी तीखी बहस भी हो गई थी। आगे एक ऐसी चर्चा के साथ फिर से हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। कैमरा पर्सन दुर्गेश कुमार के साथ दिनेश दसौंधी, SW24 ओन। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।